आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काउंटर क्लासेस पर। अभी अभी हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें एटॉमिक नंबर को लर्न करने और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का के लिए कुछ ट्रिक्स बताई थी, और आई होप कुछ एलिमेंट के बारे में मैंने आपको समझाया था, कुछ एलिमेंट के बारे में आप समझेंगे तो आपकी स्टडी में थोड़ा सा उछाल आएगा। अब हम देख लेते हैं, कुछ एलिमेंट ही लिखे, ज़्यादा नहीं लिखे मैंने, क्योंकि आप देख रहे हो कुछ एलिमेंट से ही धमाका हो जाएगा। तो अब हम ये देखेंगे कि किस एलिमेंट का, अब हम आयंस देखेंगे किस एलिमेंट का एनायन बनेगा, किस एलिमेंट का कैटायन बनेगा। तो पहली बात ये है, जैसे हम हीलियम देखते हैं तो हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 8 होते हैं, ये भी 8 होते हैं, ये भी 8 होते हैं, ये भी 8। इसका सेंस क्या हुआ, ये सारी सारी ऐसी इनर्ट गैसेस हैं हीलियम को छोड़ के जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो गई, इसका मतलब क्या है, सारे एटम इन जैसा ही बनना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉन देंगे चाहे इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब ऐसी स्पीसीज जिस पर कोई चार्ज हो, जैसे मान लो Pb+4 हो जाए, Pb+2 हो जाए, अब ऐसा होता क्यों है वो देखो। ऐसा इसलिए होता है कि जब जो आपका नॉर्मल 82 Pb था उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने लगे, 78 हो गए। 78 एटॉमिक नंबर किसका होता है, प्लैटिनम का होता है, क्वाइट स्टेबल है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 82 से 81 गया, तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्राप्त कर लिया इसने, मरकरी का, ये भी क्वाइट स्टेबल होता है। मरकरी अगर देखें, जिंक देखें, तो ये आपके मेटल की तरह नहीं होते, क्यों नहीं होते, ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना, डी ऑर्बिटल एकदम से फिक्स होता है, एक दो इलेक्ट्रॉन की बात है बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं एक्साइटेड केसेस में, और इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका दूसरा पहलू देखते हैं, मान लीजिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन अपने आप को 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, फ्लोरीन नियॉन जैसा बनना चाहता है, ये फ्लोरीन अब कैसा हो गया, नियॉन जैसा क्यों हो गया, क्योंकि इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। मतलब ये हुआ, अब आपके दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए और समझना चाहिए कि कैसे आप एटम को आयन में एनायन में कन्वर्ट करें, कैसे आपका कैटायन। तो सोचो, विचार करो, मान लो आयरन, ठीक है, अगर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए तो बन जाएगा Fe+2, इसे फेरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरस। अगर 3 इलेक्ट्रॉन चले जाए तो फेरिक बोलते हैं। एक बात हमने आपको समझाई है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही तो उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने, पहले ये देखो कि एटम आयन तो नहीं है, एटम कैटायन तो नहीं है, एटम एनायन तो नहीं है। मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से किसी चीज़ के दो पहलू होते हैं, इसी तरीके से किसी भी एटम के ऊपर 2 चार्ज हो सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा उसने समझो उतने ही, जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो ये बता रहा है कि उतने इलेक्ट्रॉन उसमें कम हो गए। तो अब ओवरऑल यहाँ पर जब हम नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाली को हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज को हम एनायन कहते हैं, उसे पता लगाने के लिए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये पता लगाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। उन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में अगर कैटायन है उतने ही इलेक्ट्रॉन कम कर दो, उतना ही नंबर कम कर दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, अगर नेगेटिव चार्ज है एनायन है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ा दो। चलो अब देखते हैं, सोचो, अब सल्फर के पास कौन सा एलिमेंट हो सकता है जिस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अक्वायर करेगा, तो सल्फर का पहले सोचते हैं इसका एटॉमिक नंबर क्या है, भाई इसका एटॉमिक नंबर तो 16 है, 16 में 2 जोड़ दो, जोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, S- आयन, इसे बोलते हैं सल्फाइड आयन, SulphiDE। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 होता है,
अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये 18 के बराबर नहीं हो गया, ये भी तो 18 के बराबर हो गया है। मतलब इसने आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर लिया। तो हमने आपको नहीं बताया, आप खुद ही इस बात को समझ रहे हैं कि ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, एक ले रहे हैं तो मोनो एनायन बन गया, डाई ले रहे हैं तो डाई हो गया, दो हो गए, तो ओवरऑल आपको क्या देख रहे हैं, यह बन गया एनायन। चलो यहाँ पर आ जाते नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका 7 होता है, इलेक्ट्रॉन आपके कैसे नहीं चाहिए 3, तभी तो नियन जैसा होगा। तो नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव चार्ज लगा दो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता कितना है 8, 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ो तभी बात बनने वाली है, ठीक है, तो कितना हो गया O-2। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है 15, तो फी पर नेगेटिव चार्ज जोड़ दो, हो गया। अब आप देख रहे हो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, मतलब नियॉन जैसा है ये और दोनों एक जैसे हैं, ये आपका फॉस्फोरस है तो वही ये क्लोरीन जैसा हो गया। अब समझ में आ रहा है कि किसी भी एटम के पड़ोसी वाले एटम जो इनर्ट गैस हो सकता है उस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा या शेयरिंग करेगा, ठीक है, जितनी बात समझ में आई। अब हम बोरॉन की बात करते हैं, तो बोरॉन में क्या होगा, बोरॉन आपका 5B है, तो 5B के लिए फिर क्या करेगा वो, या तो वो इलेक्ट्रॉन 3 दे या 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन दे बस, तो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और हीलियम जैसा अपने आप को बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ ये सब 3 इलेक्ट्रॉन 5 ले नहीं सकता, 3 दे नहीं सकता, तो शेयरिंग करेगा, ठीक है, तो ये शेयरिंग करने वाला एलिमेंट है। फिलहाल हम इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं। आयोडीन है तो एफ सी एल और आपका बी आर और आई सारे के सारे बनाते हैं नेगेटिव चार्ज वाले आइंस, एनाइंस बनाते हैं। SN प्लस 4 भी हो सकता है और SN प्लस 2 भी हो सकता है। अगर प्लस 4 है तो स्टैनिक है, क्या है स्टैनिक, अगर प्लस टू है तो ये है स्टेनस, कॉपर में आ जाती है। कॉपर की वैलेंसी या तो 2 होगी या कॉपर की वैलेंसी आपकी कितनी होगी 1। ZN की वैलेंसी फिक्स है 2 होगी, निकल की वैलेंसी फिक्स है 2 होगी, पोटेशियम की वैलेंसी फ्लक्स फिक्स है, मतलब पोटेशियम आर्गन जैसा हो गया, तभी तो सोडियम Na प्लस बना करके कैसा हो गया नियॉन जैसा हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम Mg प्लस 2 बना करके कैसा हो गया नियॉन जैसा हो गया, कैल्शियम Ca प्लस 2 करके कैसा हो गया एल्यूमिनियम, और ये 13 है इलेक्ट्रॉन 3 दे दिए तो Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन देकर ये कैसा हो गया नियॉन। यहाँ पर आपको एकदम से स्पष्ट हो रहा होगा कि कब कैटायन बनेगा कब एनायन बनेगा, जब आप मेंटली है ना मेंटली मेंटल मैथ की तरह मेंटली डिस्कस करेंगे तो आपके भेजे में घुस जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कब एनायन बनता है कब कैटायन बनता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ये बात 10th क्लास के बच्चों को भी पकड़ लेनी चाहिए अच्छे से रस्सी की तरह। तो क्या हुआ कि आप किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के साथ साथ उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर के साथ साथ बॉन्ड स्ट्रक्चर भी सीख जाओगे, तो सबसे पहले चालाकी करो बॉन्ड स्ट्रक्चर में। बॉन्ड स्ट्रक्चर में जब आप एक सिंगल बॉन्ड की जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, 2 बॉन्ड की जगह पर 4 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, 3 बॉन्ड की जगह पर 6 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, तो आपको समझ आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर क्या है। और एक और बात, किसी भी एलिमेंट के आसपास जितने इलेक्ट्रॉन आप दिखा रहे हो वो उसका लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर हो सकता है। यहाँ पर भले ही कॉम्प्लिकेटेड है पर मैंने आपको समझाया, वीडियो आपको फुल देखना पड़ेगा तभी बात बनने वाली है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम कुछ सिलेक्टिव एलिमेंट्स को लेकर के उनके आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा करके हम कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे और उनके देखेंगे लीफ स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो वेट करिए, इंतज़ार करिए उस वीडियो का जिसमें मैं लेके आने वाला हूँ क्या कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे बनाएंगे। उसी के साथ साथ हम ये भी आपको सिखाएंगे कि कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है, कैसे पाई बॉन्ड बनता है, और
और तो और उस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि किसी भी कंपाउंड में कितने सिग्मा हैं, कितने पाई हैं, ओवरऑल कितने एटम्स हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।